ड्रीम क्लास में भिजवा दीजिएगा, मुझे बस पार्टीशन चाहिए एज सून एज पॉसिबल। ओके। अब वो पार्टीशन करेंगे तो ये ऑफिस डब्बे की तरह बन जाएगा। आत्मा मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो। ये भी तो हो सकता है कि हानिया अपना ऑफिस कहीं और शिफ्ट कर ले। और हानिया को ये मशवरा देगा कौन? मैं बात कर सकती हूँ। बेटा हर मामले में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। वो मेरे बात करने से आपको इतना प्रॉब्लम है तो ये सब वैसे ही हानिया के हवाले कर देना। पहले उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। बेटा प्लीज उन बातों को मत दोहराओ। मैं मजीद टेंशन नहीं ले सकता। मैं बस उस वक्त तक जिंदा रहना चाहता हूं जब तक मैं तुम्हारी जिम्मेदारी ना निभा। फिलहाल तो मैंने आपकी जिम्मेदारी निभानी है फातिमा। मैं इस वक्त बहुत सीरियस हूं। वो आपने बहुत बड़ी गलती की है ये ऑफिस और बिल्डिंग हानिया के साथ शेयर करके। हर वक्त नजरों के सामने रहेगी वो। ऑफिस में कदम रखते साथ ही आपको इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ये नुकसान मैंने क्यों उठाया। एनीवे मैं घर जा रहा हूं, तुमने जाना है? चले। अबू क्या हुआ आपको? ठीक है ना? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अबू आप ठीक हैं? अबू तुम पीछे रहो। अबू की ये हालत तुम्हारी वजह से। फातिमा चल यहाँ से। तुम सामने आती हो उनका बीपी हाई हो जाता है। अबू बोलने दे मुझे। जब तक ऑफिस सेपरेट नहीं होता बेहतर यही है तुम अबू के सामने मारता हो। मेरा ऑफिस आना जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम पेंडिंग है। अबू मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ, प्लीज आपकी तबीयत नहीं ठीक है, उठिए। मुझे घर जाना है। जी अबू घर चलते, तुम पीछे हो जाओ। लगता है अबू को मार कर ही दम लोगी। वो हॉस्पिटल जाना चाहिए। कितने अरसे से हाजा सैम के साथ डील कर रहे थे, अब ये अचानक। और हमदानी साहब तो उस ब्रांड के साथ बात करना भी पसंद नहीं करते, तो यूं अचानक ये यूनाइटेड टेक्सटाइल वालों के साथ इतनी बड़ी डील कैसे फाइनल कर ली? राहिल ये बिजनेस है, इसमें कुछ भी हो सकता है।